ગુજરાતના સકલ જૈન સમાજ દ્વારા ભગવાન મહાવીર સ્વામીના કાલે જન્મ દિવસ નિમિત્તે કોરોનાની મહામારીમાં કોઈ પણ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ ભૂખ્યા ન સુવે તે આશયથી 4000થી વધુ ચોખાની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવશે. जी सर, आपका नाम? विकास जैन जी. अपना जो ये प्रोग्राम कर रहे हो किस चीज़ का है और क्या मैसेज देना चाहते हो? ये जो भारत में इस समय कोरोना वायरस का जो सबसे ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में एक महामारी के रूप में जो हमारे को तकलीफ आई है और भारत सरकार के द्वारा अनेकों जगह पर अनेक तरह से अभियान चलाकर इस संकट की घड़ी में सबको एक सुविधा प्रदान हो, घर बैठे किसी न किसी तरह से उनको सुविधा मिले ताकि उनको कहीं इधर उधर जाने की जो है हमारे जो प्रवासी भाई लोग हैं उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़े. तो उसी के संदर्भ में हमारे जो जैन समाज है उनके सबसे बड़े हमारे भगवान महावीर स्वामी, उनका कल 6 अप्रैल को जन्म दिवस है, जन्म जयंती है. उसके उपलक्ष्य में सकल जैन समाज के द्वारा हमारे को इस संकट की घड़ी में हम जो है ये 4000 से अधिक चावल के किट जो कि हमने हमारे पूरे यहाँ के युवा साथियों की मदद से बनाकर सूरत के अलग अलग जो विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर जो हमारे प्रांतीय जो हमारे जो प्रवासी भाई बंधु हैं जो इस समय तकलीफ और संकट की घड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको हर कहीं ना कहीं खाने की तकलीफ़ आ रही है, उन लोगों के लिए इन चावल के किटों को बनाकर हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में उस पावन दिवस हमारे भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस पर हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में वितरित करेंगे और ताकि उनको उनके घर में बैठे ही भोजन की उपलब्धता रहेगी तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. हमारा यही विचार था, इसके लिए हमने ये हमारे किट का निर्माण किया है और हमारे इस जो हमारा भगवान का जो जन्म दिवस है उसको यादगार बनाने का हमने ये अनूठा हमने हमारा प्रयास किया है. मैं नीलेश कोठारी, युवा सरकार का जैन कॉन्फ्रेंस का महामंत्री और उतना नवयुक्त मंडल अध्यक्ष. ये हमारे जैन समाज की ओर से एक आने वाले समय में कोरोना बीमारी के लिए जैन समाज की ओर से सभी जो लॉकडाउन किया हुआ मोदी जी ने उस लॉकडाउन से लोग बाहर नहीं निकले और उनके खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसी हिसाब से हमने सोच के पैकेट बना के उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बीमारी से लोग बाहर नहीं निकले और जो मोदी जी का निर्देश है उस हिसाब से ये लॉकडाउन चलता रहे और उनको भोजन भी मिलता रहे तो आगे उनको तकलीफ में उस हिसाब से. और कल हमारे महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हम सकल 10000 पैकेट बना के पूरे जहाँ आजू बाजू के गांव हैं वहाँ एक मीठे भात बना के हम पूरे वितरण करने जा रहे हैं जिससे लोगों को बाहर नहीं निकले और ज़्यादा से ज़्यादा उन तक हमारी सहायता पहुँच सके. जय जिनेंद्र, जय माँ. जी सर, आपका नाम? एडवोकेट देवेंद्र पोखड़िया जी. क्या प्रोग्राम है? हमारे जैनों के सबसे बड़े जो 23वें तीर्थंकर है प्रभु भगवान महावीर स्वामी का कल जन्मोत्सव है. उस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सकल जैन समाज की ओर से ये चावल के कीटों का निर्माण किया जा रहा है. श्री विकास जी सिंघवी, श्री नीलेश जी कोठारी और बहुत सारे युवा इस कार्य में जुड़े हुए हैं. उन सब की ओर से करीब 4000 से ज़्यादा का किट बना है और ये किट कल भगवान महावीर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जरूरत लोगों को बांटे जाएंगे. इसके साथ ही हमारे यहाँ नीचे खिचड़ी बन रही है, वो भी जो आसपास के जो हमारी बस्ती है इधर उतना और उसके आसपास में उधर भी हम ये खिचड़ी और दूसरी चीज़ें भी हम पहुँचाने की
व्यवस्था कर रहे हैं। भाई कुपड़ा सूरत ऑल इंडिया स्वतंत्रता पासी जैन कॉन्फ्रेंस गुजरात के महामंत्री हूँ। मैं कल श्री भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव है, उसी उपलक्ष में जैन समाज के द्वारा उधना के अंदर में करीब ये 4,500 किट हम गरीब परिवारों में वितरण करने जा रहे हैं, और उसी उपलक्ष में आज शाम को हम खाने का 2,000 आदमी का पैकेट हमने तैयार कर दिया है, वो भी हम 5 बजे के लगभग हम वितरण करेंगे। और उसके साथ ही कल हम 10,000 पैकेट महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के उपलक्ष में हम ये तैयार करेंगे, और सभी हमारे सूरत क्षेत्र के आसपास के विस्तारों में हम उसको वितरण करेंगे। और जैन समाज एक ऐसी भारत देश के अंदर में जो कोरोना की महामारी पूरे वर्ल्ड में आई हुई है, उसके उत्तर जैन समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। सदैव जैन समाज आगे तत्पर रहता है, और खुले हाथ से पूरे देश के प्रधानमंत्री जी के फंड के अंदर में भी दिल खोल करके उन्होंने पैसा दिया है, और पूरा जैन समाज हमारे इस कोरोना महामारी के संघर्ष में लड़ने के लिए तैयार है। और इसी के साथ जय जीना जय महावीर।